अरे हाथ कड़िया लगाइए ना जी। ड्रामा कर रहा है। ये है शराबियों का हाई वोल्टेज ड्रामा और दूसरी ओर इलाज के लिए हाथ जोड़ते पुलिस वाले। ये सीन किसी फिल्म का नहीं है बल्कि एक अस्पताल का है, नालंदा जिले के बिहार शरीफ सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड का। बिहार शरीफ सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में इलाज के लिए लाए गए एक नशेड़ी ने घंटों ड्रामा किया। पुलिस वाले उसे इलाज कराने के लिए हाथ जोड़ते नजर आए मगर वो किसी की सुनने को तैयार नहीं था। मामले के बारे में दीपनगर थाना के पदाधिकारी का कहना है कि देवधा गांव में मामूली विवाद को लेकर नशे की हालत में रामप्रीत मांझी और श्रद्धा मांझी दोनों भाई आपस में जमकर मारपीट किए। मारपीट की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंचकर दोनों भाई को इलाज के लिए अस्पताल लाई, जहां श्रद्धा मांझी इलाज कराने को तैयार हो गया मगर रामप्रीत मांझी इलाज के लिए तैयार नहीं हुआ। अस्पताल के स्वास्थ्य कर्मियों और पुलिस के जवानों के साथ भी गाली गलौज करते हुए धक्का मुक्की करने लगा। एक घंटे से अधिक समय बीत गए फिर भी वो इलाज के लिए तैयार नहीं हुआ। उसका सिर फटा हुआ था। नशे में होने के कारण स्वास्थ्य कर्मियों और पुलिस के जवानों ने भी ज्यादा जहमत उठानी नहीं चाही और बिना इलाज कराए उसे थाना लेकर चले गए। थानाध्यक्ष मुश्ताक अहमद ने बताया कि अधिक नशे में होने के कारण ऐसा हरकत कर रहा है और नशा कम होने पर फिर से इलाज के लिए उसे भेजा जाएगा। अभी चौकीदार की निगरानी में थाना में बैठा कर रखा गया है, तो आगे देखना ये होगा कि शराबबंदी वाले बिहार में और कैसी तस्वीरें सामने आती है। क्या ऐसे ही शराबी अस्पताल में नशे में आकर ड्रामा करेंगे? नालंदा से रंजीत कुमार सिंह की रिपोर्ट, बिहार तक।